तो एज अ प्रोग्रामर जब भी हम कोडिंग करने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में कोड एडिटर या आईडीई मींस की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात आती है कि हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो जैसे कि विंडोज़ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ या विजुअल स्टूडियो आईडीई यूज़ करता हूँ, तो वैसे ही जब मैं लिनक्स एनवायरनमेंट में आया तो मुझे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने का ही माइंड में आया। तो लिनक्स पे अभी जो इंस्टॉलेशन है मेरा वो उबंटू है। उबंटू पे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम उबंटू सॉफ्टवेयर ऐप ओपन करेंगे। उबंटू सॉफ्टवेयर ऐप में आपके सॉफ्टवेयर की डिफरेंट कैटेगरीज हैं और आप सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ सर्च बटन से सर्च भी कर सकते हैं टाइप करके, और इन केस आप कैटेगरी के हिसाब से आर्ट एंड डिज़ाइन, डिवाइसेस, आईओटी, फाइनेंस, इस तरीके से आप चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। दूसरा टैब आप इसमें देख रहे हैं इंस्टॉल्ड करके टैब है। इंस्टॉल्ड टैब के अंदर आपके जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एप्स हैं और जो सिस्टम एप्लीकेशन हैं वो यहाँ पे लिस्ट आपको दिखेगी, और अपडेट्स में इन केस किसी ऐप का अपडेट आपका ड्यू है और आप अपडेट ट्रिगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम फिर से एक्सप्लोर वाले टैब में आ जाएंगे और वहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड टाइप करके सर्च करेंगे यहाँ पे। सो विजुअल स्टूडियो कोड टाइप करने के बाद जो आपका सर्च रिजल्ट आएगा उसमें एक कोड करके आपका ऑप्शन आएगा जिसे हम जिसे सेलेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कोड, इसे जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोड सॉफ्टवेयर के बारे में आपका नीचे डिटेल आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोड जहाँ लिखा है कोड एडिटिंग रीडिफाइंड, उसके नीचे एक इंस्टॉल बटन है। तो इंस्टॉल बटन पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारा जो यूज़र ऑथेंटिकेशन में आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा एडमिन यूज़र का, जैसे हम ऑथेंटिकेट करेंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारे इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि इंस्टॉलेशन को कितना टाइम लगेगा। अगर हमारी स्पीड अच्छी है तो विद इन मिनट और सो आपका ये इंस्टॉलेशन थ्रू हो जाएगा। अगर आपका अच्छा कनेक्शन है, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है अगर स्लो कनेक्शन है। तो हम देख रहे हैं कि ये यूजर स्टूडियो कोड हमारा इस उबंटू एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो रहा है, और इंस्टॉल होने के बाद वो हमारा ऐप्स के अंदर एक जहाँ पे आप देखते हैं कि ऐप लॉन्चर है, यहाँ पे यहाँ शो एप्लीकेशंस बटन है, इसमें आपके सारे जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड हैं ये वो आपको यहाँ पे लिस्टेड दिखते हैं आइकॉन्स के फॉर्म में, और आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। तो वैसे ही जब यूजर स्टूडियो कोड हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो ये भी आपका यहाँ पे एप्लीकेशंस के लिस्ट में हमें यहाँ पे नज़र आने लगेगा, और हम इसे टैग भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन को हम फेवरेट्स में ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड के हमारे रिबन बार के ऊपर ये दिखना शुरू हो जाएगा, वहाँ से हम इसको इजीली लॉन्च कर सकते हैं। हम फिर से आते हैं अपने सॉफ्टवेयर वाले ऐप के अंदर और देखते हैं कि इंस्टॉलेशन हमारा चल रहा है अभी। आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो विजुअल स्टूडियो का यहाँ पे इमेज यहाँ पे गिवन है उसके अंदर आप देखिए एक्सटेंशंस वाले टैब के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस के एक्सटेंशंस हैं जिन्हें इंस्टॉल करके आपकी कोडिंग जो है वो इजी रहेगी। इंटेलिसेंस जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है विजुअल स्टूडियो कोड में या विजुअल स्टूडियो आईडी में, वो भी आप यूज़ कर पाएंगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। और आपको जहाँ पे सिंटेक्स एरर होंगे वहाँ पे कोड आपका डिफरेंट कलर में मार्क हो जाएगा जिससे आप इजीली डिबगिंग भी कर सकते हैं। तो वीएस कोड से हम समझ गए कि जो हमारा कोडिंग का पूरा साइकिल है, कोडिंग, डिबगिंग और टेस्टिंग, ये पूरा साइकिल हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे इंस्टॉल की जगह रिमूव बटन आ गया, इसका मीनिंग कि हमारा ऐप प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। तो एप्लीकेशंस में अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड नज़र आएगा, इसे हम क्लिक करके लॉन्च कर सकते हैं। और जब लॉन्च करेंगे तो फर्स्ट टाइम लॉन्च जो है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस रहता है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा लॉन्चिंग में, और लॉन्च होने के बाद आप किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी फाइल पे अपना कोडिंग कर सकते हैं। इसका एडवांटेज एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर से क्या है कि इसमें आपका जो इन केस एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, तो उस केस में हम उस प्रोजेक्ट के फोल्डर पे वर्क कर सकते हैं और पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर हमें नज़र आएगा यहाँ लेफ्ट साइड पे। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल फाइल, एक एचटीएमएल फाइल पहले टाइप करते हैं हम यहाँ पे। सो न्यू फाइल करके यहाँ पे हम कंटेंट
टाइप कर सकते हैं। तो कुछ भी हम टाइप करेंगे HTML कंटेंट, और इस तरीके से हम कंटेंट टाइप करके और इसको सेव कर सकते हैं। अब बात आती है एक फोल्डर पे वर्क करने की। तो फोल्डर पे वर्क करने में आपका प्रोजेक्ट वर्क इजी रहता है, क्योंकि सारी फाइल्स आपको विजिबल रहती हैं एक ट्री ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। तो वो थोड़ा सा मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आपको। लेटर से हम अपने होम फोल्डर में चले जाते हैं, और यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर देते हैं हम। हमारे फोल्डर का नेम है लेटर से ई शॉप, मतलब मैं प्रोजेक्ट पे वर्क करने लगे हैं। इसके फोल्डर में हम सारा कंटेंट इस प्रोजेक्ट के रिलेटिंग डालेंगे। अब इस फोल्डर को हम वीएस कोड में ओपन कर सकते हैं। तो पहले तो वीएस कोड मैंने क्लोज कर दिया, फिर से लॉन्च कर लेते हैं, और ऐड टू फेवरेट्स में करके आपको ये लेफ्ट साइड में नज़र आएगा, वहाँ से आप लॉन्च कर सकते हैं। हर बार आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में जाना नहीं पड़ेगा। तो क्लिक करके मैंने लॉन्च कर दिया वीएस कोड। और अब हम फोल्डर ओपन करेंगे ई शॉप वाला फोल्डर, और सारी वर्किंग हमारी यहीं पे रहेगी ई शॉप वाले फोल्डर में। तो आप देख रहे हैं ई शॉप फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर हमारा बैंक फोल्डर भी फोल्डर वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। ये चेंजेस हम अभी रिमूव कर देते हैं, नए सिरे से वर्क करेंगे इस पे। जैसे ही फोल्डर ओपन होगा, फोल्डर का कंटेंट हमें दिख जाएगा। अब ये ब्लैंक फोल्डर है, हम यहाँ पे कर देंगे यस आई ट्रस्ट ऑथर्स, और ये ब्लैंक फोल्डर ई शॉप हमारा लेफ्ट साइड में हमें दिख गया। गेट स्टार्टेड वाला ये जो विंडो है ये हम क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ई शॉप के साथ हमें आइकन्स हैं जिसके थ्रू हम न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, रिफ्रेश और कोलैप्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो हम पहला ऑप्शन यूज करेंगे न्यू फाइल, और फाइल को एक नेम दे देंगे लेट अस से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब जब इस फाइल के अंदर हम कंटेंट टाइप करना स्टार्ट करेंगे, तो एक्सक्लेमेशन साइन प्रेस करके जैसे हम टैब की दबाएंगे तो एक एच टी एम एल डॉक्यूमेंट की स्कैफोल्डिंग हो जाएगी। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो वी एस कोड में ये कन्वीनियंस है, अगर इन केस आपको एच टी एम एल डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो आप एच टी एम एल डॉक्यूमेंट सेव करके जैसे ही एक्सक्लेमेशन साइन टाइप करके टैब की दबाएंगे तो ये सारा कंटेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा पर्पस इस वीडियो में ये था कि आपको ये बताना कि विजुअल स्टूडियो कोड एक वर्सेटाइल कोड एडिटर है, जिसे हम लाइनक्स एनवायरमेंट में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में बड़े इजीली वर्क कर सकते हैं किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें।